सुजन प्रशंसा श्लोक क्रमांक 62-69 नरेटर सुंदर हटंगड़ी मिशिगन यूएसए कथनकार सुंदर हटंगड़ी मिशिगन उत्तर अमेरिका श्लोक क्रमांक 62 वांछा सज्जन संगमे परगुणे प्रीतिर गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनं व्ययोषिति रतिर् लोकापवाताद् भयम् भक्तिशूलिनि शक्तिरात्मदमने संसर्ग मुक्ति खले ये श्वेते निवसन्ति निर्मल गुणास्तेभ्यो नरेभ्यो नमः वृत्त शार्दूल विक्रीडित अन्वय सत्जन संगमे वांछा परगुणे प्रीति गुरौ नम्रता विद्यायां व्यसनम स्वयोषिति स्रति लोक अपवादाद् भयम् शूलिनी भक्ति आत्मदमने शक्ति खलैः संसर्ग मुक्ति एते निर्मल गुणाः येषु वसन्ति तेभ्यः महद्भ्यः नमः उन पुरुषों को नमस्कार है जिसमें ये दिव्य गुण विद्यमान है सज्जनों के संग की इच्छा दूसरे के गुणों में प्रीति बड़े लोगों से नम्रता विद्या में वशन अपनी ही स्त्री में प्रीति लोक निंदा से भय महादेव जी में भक्ति अपने मन को वश में रखने की शक्ति और दुष्ट संग का त्याग डिजायर फॉर द कंपनी ऑफ द गुड regard for the merits of others, reverence for elders, diligence in acquiring knowledge, affection for one's own wife, fear of the world's blame, devotion for Shiva, power of self-restraint, freedom from the contact of an evil man. Persons in whom these excellent qualities reside are to be respected. Shloka Kramanka 63 verse number 63 vipadi dhairyamathabhyudaye kshama sadasi vakpatuta yudi vikramah yashasi cha viratir vyasanam shrutau prakruti siddhamidam hi mahatmanam vrutta druta vilambita anvay vipadi dhairyam atha abhyudaye kshama सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी च अभिरति श्रुतौ व्यसनम् इदं महा आत्मनाम प्रकृति सिद्धम् ही आपत्ति में धैर्य ऐश्वर्य में क्षमा सभा में वचन की चतुराई युद्ध में पराक्रम यश में प्रीति और शास्त्र के अध्ययन की उत्कट इच्छा ये सब गुण महात्माओं के स्वभाव से ही रहते हैं फर्मनेस इन एडवर्सिटी फॉरबेरेंस इन प्रॉस्पेरिटी एलोक्वेंस इन एन असेंबली ब्रेवरी इन बैटल डिजायर फॉर ग्लोरी डिवोशन फॉर द वेदर्स दिस इज द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाई माइंडेड श्लोक क्रमांक 64 वर्स नंबर 64 प्रदानं प्रच्छन्नं गृहमुपगते संभ्रमविधि प्रियं कृत्वा मौनं सदसि कथनं चाप्युपकृते अनुत्सेको लक्ष्म्यां निरभिभवसारा परकथाः सताङ्केनोद्दिष्टं विषममसिधारा व्रतमिदं वृत्त शिखरिणी अन्वय प्रछन्नम प्रदानम गृहम उपगते संभ्रम विधि प्रियं कृत्वा मौनम उपकृते हे सदसि कथनंच लक्ष्म्याम अनुत्सेकः निरभिभवसाराः परकथाः इदं विषमं असिधाराव्रतं सतां केन उद्दिष्टम् दान को गुप्त रखना गृह पर आए हुए पुरुष का सम्मान करना किसी का भला करने करके मौन रखना अर्थात दूसरों से अपनी की हुई भलाई की चर्चा न करना
दूसरों के किए हुए उपकार को सभा में कहना, धन पाकर अभिमान न करना और पराये की चर्चा उसकी निंदा रहित करना, यह तरवार की धार के समान कठिन व्रत सज्जनों को किसने सिखाया है। सीक्रेट जेनरोसिटी, cheerful hospitality to strangers arrived at one's house, doing good to others and being silent about it, but proclaiming among people the benefits received from others, absence of pride in prosperity, speaking of others in terms free from contempt, who has taught to the good this excessively difficult conduct as sharp as the edge of a sword. श्लोक क्रमांक 65, वर्स नंबर 65। करे श्लाघ्यस्त्याग शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी विजय भुजयोर्वीर्यमतुलम्, हृदि स्वच्छावृत्तिश्रुतमधिगतं च श्रवणयोर् विनाप्यैश्वर्येण प्रकृति महतां मंडनमिदं। वृत्त शिखरिणी अन्वय। करे त्यागः श्लाघ्यः शिरसि गुरुपाद प्रणयिता, मुखे सत्यावाणी विजयी भुजयोः अतुलं वीर्यं, हृदि स्वच्छावृत्तिः श्रवणयोः अधिगतं श्रुतञ्च, ऐश्वर्येण विना अपि प्रकृति महताम इदं मंडनम्। हाथ की शोभा दान देने से और मस्तक की बड़ों के चरण पर गिरने से है, मुख की शोभा सत्य बोलने से और दोनों भुजाओं की अतुल पराक्रम से है, हृदय की शोभा स्वच्छ वृत्ति से और कान की शास्त्र का श्रवण करने से है। जो लोग स्वभाव से ही सत्पुरुष हैं, उनके यही सब बिना ऐश्वर्य के भी आभूषण है। लिबरैलिटी इज द फिटिंग वर्च्यू फॉर द हैंड, बाउइंग एट द फीट ऑफ एल्डर्स फॉर द हेड, ट्रू स्पीच फॉर द माउथ, इनकम्परेबल प्रोविश फॉर वैलियंट आर्म्स, प्योर फीलिंग फॉर द हार्ट, द एक्विजिशन ऑफ द शास्त्रास फॉर द ईयर्स, this is the adornment of persons naturally great even without any other pomp. Shlok kramanka 66, verse number 66. Sampat sumahatan chittam bhavatyutpalako malam, apat suchach mahashaila shila sangat karkasham. Vritta anushtup अन्वय। महतां चित्तं संपत्सु उत्पलकोमलं भवति, आपत्सु च महाशैलशिला संघात कर्कशम्। महात्मा लोगों का चित्त संपत्ति होने पर कमल की नाई कोमल होता है, परंतु आपत्ति में पर्वत की बड़ी शिला के समान कठोर हो जाता है। इन प्रॉस्पेरिटी द हार्ट ऑफ द ग्रेट इज एज सॉफ्ट एज अ लोटस, but it is as hard as a great mountain rock in adversity. Shloka Kramanka 67, verse number 67. Santaptayasi saunstitasya payaso nama pinashruyate mukta kartayata devanalini patrastitam rajate स्वात्याम सागर शुक्ति मध्यपतितं सन्मौक्तिकं जायते, प्रायेणादम मध्यमोत्तम गुण संसर्गतो जायते। वृत्त शार्दूल विक्रीडित। अन्वय। संतप्त अयसि असंस्थितस्य पयसः नाम अपि न श्रूयते, तत् एव नलिनी पत्र स्थितम मुक्ता आकारतया दृश्यते, अंतसागर शुक्ति कुक्षिपतितम तत् मौक्तिकम जायते, प्रायेण अधम मध्यम उत्तम जुषाम वृत्तया एवं विधाः। पानी का बूंद त
तपे हुए लोहे पर पड़ने से नाम मात्र भी नहीं रह जाता है, वही बूंद कलम पत्र पर गिरने से मोती के समान शोभायमान होता है, और वही जल बिंदु स्वाति नक्षत्र में समुद्र के सोपों में पड़कर मोती हो जाता है। इससे यह ज्ञात हुआ कि प्रायः संसर्ग से ही सबके गुण अधम, मध्यम अथवा उत्तम हो जाते हैं। Not even a vestige remains of the water thrown on hot iron. The same shines in the form of a pearl on a lotus leaf. Should it fall in an oyster shell during the period of the Swati Nakshatra, it becomes a splendid pearl. In the same manner, the disposition of men, generally bad, middling, or excellent, become according to company. श्लोक क्रमांक 68, वर्ष नंबर 68। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम् तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। वृत्त वसंत तिलका। अन्वय। यः सुचरितैः पितरं प्रीणयेत् सः पुत्रः, यद् भर्तुः एवं हितम् इच्छति तत्कलत्रम्, यत् आपदि सुखे च समक्रियं तत् मित्रम्, एतत्त्रयं पुण्यकृतः एव जगति लभन्ते। वही पुत्र है जो पिता को अपने अच्छे चरित्रों से प्रसन्न करता है, वही पत्नी है जो अपने पति का निरंतर हित चाहती है, वही मित्र है जो सुख तथा दुख में समान वर्ताव रखे। इस संसार में केवल पुण्यवान को ही ये तीनों मिलते हैं। He is the worthy son who delights his father by good actions. She is the wife who seeks her husband's good. He is the friend whose conduct is the same in prosperity as well as in adversity. It is the meritorious who get these three things in this world. Shloka Kramanka 69, verse number 69. Namratve nonnamantah paragunakatanaihi svan gunan khyapayantah स्वार्थान् संपादयन्तो वितत प्रतरारम्भ यत्नाः परार्थे क्षान्त्यै वाक्षेपरूक्षाक्षरमुखरमुखान् दुर्मुखान् दूषयन्तः सन्तस्साश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः। वृत्त स्रग्धरा। अन्वय। नम्रत्वेन उन्नमन्तः परगुणकथनैः स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः। पर अर्थे वितत प्रतुतर आरम्भ यत्नाः स्व अर्थान् संपादयन्तः। आक्षेप रूक्ष अक्षर मुखर मुखान् दुर्जनान् क्षान्त्या एव दुःखयन्तः। साश्चर्यचर्याः जगति बहुमताः सन्तः कस्य न अभ्यर्जनीयाः। इस संसार में ऐसे अद्भुत आचरण वाले सज्जन लोग किसको पूजनीय नहीं होते, जो नम्रता से ऊंचे होते हैं, जो दूसरों के गुण कथन से अपने को प्रसिद्ध करते हैं, जो विस्तार पूर्वक दूसरों का कार्य करके अपना कार्य संपादन करते हैं, जो अपनी क्षमा ही से उन दुष्टों की निंदा को दूषित करते हैं, जिनके मुख कठोर वचनों से परिपूर्ण है। इति सज्जन प्रशंसा। Those who are ennobled by humility, who display their own virtues by relating the virtues of others, who achieve their own objects by extended efforts in large deeds undertaken for others, who rebuke only by their patience evil speakers whose mouths are full of harsh and slanderous words, are the persons of admirable conduct, commanding the respect of all in this world. Who would not respect them?
Thus ends the chapter on Shloka Kramanka 62-69. Narrator Sundar Hatangdi, Michigan, USA. Kathankar Sundar Hatangdi, Michigan, Uttar America.